गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आपके साथ अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीपीएसपी चैप्टर में आर्टिकल 36 टू 43 को समझा था, डीपीएसपी के महत्व को समझा था, डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, किस प्रकार के होते हैं, मूल अधिकार और इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, किस सोच के तहत इनको लाया गया। हमने काफी बिंदुओं पर चर्चा की कि जो डीपीएसपी होते हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायोचित होते हैं। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है, कोई छीना जाता है आपसे, तो उनको आप कोर्ट से प्राप्त कर सकते हो, जबकि इन डीपीएसपी को कोर्ट से यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, प्राप्त नहीं कराया जा सकता। ऐसा क्यों था, इसके पीछे के भी कारण समझे थे हमने, है ना, कि क्यों इन डीपीएसपी के जो निदेशक तत्व हैं वो क्यों गैर न्यायोचित बनाए गए, है ना। देश की आजादी से संबंधित सारी चीजें, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी इनको न्यायोचित बनाया जा सके। इसके अलावा और भी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की और अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 36 से 43 तक को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम आर्टिकल 43 से आगे के डीपीएसपी को समझेंगे, ठीक। इसके अलावा और आज की क्लास में और भी चीजें कि मूल अधिकारों में क्या वैसी चीजें हैं, क्या इसकी सकारात्मक चीजें क्या, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे अपनी क्लास में देखेंगे। पहले हम अनुच्छेद 44 से समझना चालू करते हैं कि आर्टिकल 44 क्या। तो आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता का निर्माण किया गया है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण किया गया। बहुत ही चर्चित टॉपिक है ये आर्टिकल, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ना। इंग्लिश में इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। समाचार पत्रों में, न्यूज में, खबरों में, आर्टिकल्स में, डिबेट्स में, न्यूज चैनल्स में, उन सब में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़े महत्वपूर्ण रूप में है, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। देखिए अनुच्छेद 44 में इसको संविधान निर्माण का कर्ताओं ने रखा कि भाई जब राज्य सशक्त होगा तब देश में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। देखिए बिल्कुल सरल भाषा में देखिए इसको, लेते हैं भारत में जो कानून है वो दो प्रकार के हैं, ठीक। किसी भी देश में कानून दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो भारत में भी कानून दो प्रकार के हैं, एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक। कितने प्रकार के कानून होते हैं, एक सिविल मुकदमे होते हैं, केसेस होते हैं, और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। इसको आप दो लॉ होते हैं, एक सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए, हिंदी में जिसको हम लोग दीवानी और फौजदारी बोलते हैं, दीवानी और फौजदारी। क्रिमिनल केसेस कौन से हो गए, हत्या, लूट, बलात्कार, ठीक है, कोई भी जघन्य अपराध, वो सब आ गए क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी। सिविल केसेस में शादी, विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के नियम, सक्सेसरशिप, ये सारी चीजें आ गई सिविल केसेस में, दीवानी चीज। अब भारत जब आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने फौजदारी केसेस के लिए तो सेम कानून रखा, फौजदारी केसेस के लिए सेम, कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए
क्रिमिनल केसेस में यानी फौजदारी कानून एक समान है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, लूट करता है, बलात्कार करता है, डकैती करता है, जघन्य अपराध कोई भी करता है, उन सब के लिए जो कार्रवाई है हमारी वो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के तहत चलती है, सबके लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति। लेकिन यही चीज दीवानी मैटर्स में नहीं है, यानी शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सक्सेसरशिप के नियम, संपत्ति के नियम, इनमें ये चीजें नहीं थी। इसके लिए दो प्रकार के लॉ जो है बनाए गए, एक आपने सुना होगा हिंदू लॉ 1955, एक मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोल रहे। तो दीवानी के केसेस में क्या है, दो प्रकार के लॉ है, ठीक, एक हिंदू मुस्लिम, एक हिंदू लॉ है 1955 वाला और एक है मुस्लिम लॉ। अब मानिए हिंदू का कोई विवाह, अच्छा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये चीज समझ लीजिएगा, हिंदू शब्द के अंतर्गत ही आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द के अंतर्गत ही सिख, बौद्ध और जैन को भी डिफाइन किया गया, ठीक, यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि जब हिंदू शब्द की बात आएगी तो सिख, बौद्ध और जैन तीनों को के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा, ठीक। यानी जो सिविल के मैटर्स हिंदू लॉ में है वो हिंदू के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैन पर भी इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक, क्योंकि अनुच्छेद 25 के अनुसार सिख, बौद्ध और जैन जो है हिंदू शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। एक्चुअली हम लोगों को पता है सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सबकी शाखाएं जो है वो हिंदू धर्म से उनके रूट्स निकल कर आए हैं, चाहे गुरु नानक देव जी के विषय में हम लोगों को पता है कि 1469 में तलवंडी में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, पिता का नाम कालू, माता का नाम तत्ता, ठीक। तो गुरु नानक देव जी ने फिर सिख धर्म की स्थापना की थी और ब्राह्मण परिवार से थे, आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक, उनका भी वो भी एक क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, तो एक अटैचमेंट था, है ना। आप इतिहास का विषय है, हम लोग को पता है कि सिखों ने जो है जो सिख धर्म की रूट्स है वो हिंदू धर्म से ही आती है और गुरुओं ने सिख धर्म के स्थापना के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा त्याग किया, ठीक, बड़ी लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार बौद्ध भी आपको पता है, बौद्ध धर्म भी है ना, सिद्धार्थ यानी जिनको बाद में तथागत यानी महात्मा बुद्ध बोला गया, ठीक, ये भी एक क्षत्रिय परिवार के थे और किस प्रकार से कैसे गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की सारी चीजें, महावीर स्वामी का भी ऐसा, तो इन सब के रूट्स जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही निकले होंगे, इसलिए इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत संबोधित किया। तो यदि कोई सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू शादी, विवाह, उत्तराधिकार इनसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो सब हिंदू लॉ एक्ट 1955 के तहत जो है कार्रवाई उस पर की जाए, ठीक। यानी जैसे कोई शादी का किसी की शादी होती है तो उसमें क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, तो हिंदू लॉ मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही सेक्शन 5-11 तक सारी चीजें दी गई हैं, क्या चीजें होती हैं। तो जो जैसे हिंदुओं में दो विवाह की अनुमति नहीं है, अगर कोई दो विवाह करता है तो उसके लिए जो है पहली बात तो दो विवाह जो है दूसरा विवाह उसी परिस्थिति में, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, उसी स्थिति में कर सकते हैं जब या तो कोई व्यक्ति हो उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, ठीक, या कोई महिला हो उसके पति का देहांत हो चुका हो, इसी शर्त में हो सकती है। या फिर दूसरी शर्त, अगर उनका पहला विवाह हो चुका है तो उन दोनों के बीच में तलाक हो चुका हो, ठीक, डाइवोर्स हो चुका हो, सेपरेशन हो चुका हो, विदाउट सेपरेशन छुपाए हुए अगर किसी पुरुष ने दूसरा विवाह किया या किसी महिला ने दूसरा विवाह किया तो उनका दूसरा विवाह नल एंड वॉइड हो जाता है, इसके अलावा उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो ये चीजें हिंदुओं पर, सिखों पर, बौद्ध पर और जैन पर सब पर एप्लीकेबल होती है, ठीक, ठीक। अच्छा, डाइवोर्स का जो सिस्टम है वो भी ऐसे ही है, लेकिन मुस्लिमों में ऐसी चीज नहीं, ठीक। मुस्लिमों की शादी, विवाह, तलाक सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा है, वो मुस्लिम लॉ के द्वारा है। इसीलिए अभी आपने सुना होगा देश में बड़ा चर्चा का विषय रहा जिसको ट्रिपल तलाक बोला जा रहा था, तलाक ए बिद्दत, तीन प्रकार के तलाक होते हैं, तलाक ए हस्न, तलाक ए अहस्न, तलाक ए बिद्दत, ठीक। तो तलाक ए बिद्दत पर जो है काफी विवाद था, मुस्लिम महिलाओं ने इस पे सारी चीजें की हुई थी,
उसको लेकर जो है कोर्ट ने इसको गलत माना और फिर बोला कि इस पे जो है आप कुछ कानून बनाइए, प्रपोजल बना दीजिए। तो फिर देश में इस चीज का विषय और उठने लगा, है ना, क्या कि भाई ये क्या है। अगर देखिए महिला तो महिला है ना, मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी पंथ से संबंधित कोई भी महिला, महिलाओं की जो है, महिला खुद में एक अलग धर्म है, एक अलग जाति है, क्योंकि किसी भी धर्म से या पंथ से या जात से रिलेटेड महिलाओं, उनकी अपनी एक अपनी समस्याएं है। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं वो कॉमन है, चाहे वो किसी धर्म जात पंथ की महिला हो। तो बोला गया कि भाई जैसे तलाक का जो प्रोसीजर है या कुछ और अन्य प्रोसीजर्स हैं, वो हिंदू लॉ के हिसाब से देखिए, हिंदू महिलाओं का वहां देखिए दूसरा विवाह नहीं हो सकता, और अगर तलाक का प्रोसीजर है तो ऐसे 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 ही होगा, वहां पर कोई इतनी आसानी से सेपरेशन नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी कानूनी विधिक प्रक्रिया। हाँ, मुस्लिमों में थोड़ा सा समस्याएं हैं और मुस्लिम महिलाओं ने काफी इसके लिए पीड़ा उत्पन्न की, काफी सारे केसेस निकल कर आए। तो देश में मांग उठी कि क्यों ना जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जिसकी चर्चा की है उसको क्यों नहीं लागू किया जाता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत के एक राज्य गोवा में लागू है। ठीक, भारत के एक राज्य गोवा में सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बाकी पूरे भारत में कहीं नहीं। ठीक, तो अब बोला जा रहा है जब गोवा में लागू हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं। तो पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो फिर फौजदारी की तरह ही दीवानी के मैटर्स में के लिए भी, सिविल केसेस के लिए भी, यानी कि विवाह, तलाक, शादी, सक्सेसरशिप, उत्तराधिकार, संपत्ति के नियम, इन सब के लिए फिर एक ही नियम होंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म या जात को मानने वाला हो, सबके लिए एक ही कानून होगा, जैसे फौजदारी में। तो मांग भी की जा रही और बिल्कुल किया जाना चाहिए, भाई जब देश एक है, संविधान एक है, निशान एक है, तो कानून दो क्यों सबके लिए। अच्छा, अब एक प्रश्न मन में कौन था कि जब ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना बिल्कुल बात सही है, यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए, है ना। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ड्रेस क्यों होती है, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है। ठीक, आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हर धर्म, हर जात, हर वर्ग, मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लास के अलग अलग, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, है ना, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, किसी की थोड़ी नम होगी, किसी की थोड़ी और नम होगी, है ना, किसी के यहाँ पिताजी उनको किसी के ड्राइवर छोड़ने आता होगा मर्सिडीज से एक विद्यालय में, तो किसी के पिताजी अपनी सुजुकी 800 में, मारुति 800 में छोड़ने आते होंगे, किसी के पिताजी बाइक से छोड़ने आते होंगे, है ना। तो कोई बहुत समस्या करके, आज शिक्षा का महत्व बढ़ गया, कोई अपने बच्चे को साइकिल पे भी छोड़ने आता होगा, उसके स्कूल के बाहर तक आपको डिफ्रेंसिएशन दिख सकता है कि अच्छा इनका ये है। लेकिन जो बच्चा जब स्कूल के अंदर प्रवेश करता है सारे एक समान लगते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इनकी एक ही ड्रेस है, उसी कलर की शर्ट, उसी कलर की पैंट, उसी कलर की टाई, वैसे ही सबको आना है, बाल सीधे ऐसे वैसे करके, वो एक यूनिफॉर्मिटी का प्रतीक होता है, ताकि कोई भी ऊपर नीचे ऐसा ना रख सके। ठीक, तो वो यूनिफॉर्मिटी यहाँ क्यों है ना। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम लोग आजाद हुए तब हमारे पास ऊपर काफी प्रकार की समस्याएं, सामाजिक भी थी, आर्थिक भी थी और शैक्षिक भी थी। शैक्षिक दृष्टि से, लिटरेसी की दृष्टि से हम बहुत पीछे थे, मुश्किल से भारत में 10 या 11% लोग जो है तात्कालिक भारत में 1947 के समय साक्षर थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में देश एक विभाजन से भी जूझ रहा था, है ना, आज तक का सदी का सबसे बड़ा विभाजन रहा, इतना बड़ा विभाजन कभी नहीं देखा गया, जब कभी सेपरेशन हुआ इतना बड़ा विभाजन कभी नहीं देखा गया, इतनी ज्यादा मात्रा में लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गए, इतनी ज्यादा हत्याएं, इतनी ज्यादा जो है घटनाएं हुई हो, इतने ज्यादा शवों को देखना पड़ो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सरकार उसी समय फंसी थी, इसको कंट्रोल करना था, तो सरकार ने फौजदारी वाले को रख दिया और बोला गया कि देखिए दीवानी की अगर आप यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे, जैसे मानिए मुस्लिम्स की कई वर्षों से, साल दर साल से एक प्रथा चल रही है उनके, हिंदू उसमें अलग एक प्रथा चल रही है, तो एकदम से एक झटके से सरकार अभी इस और कंट्रोल कर रही है, क्योंकि रिलीजियस आधार पर देश का विभाजन हुआ था, है ना, धार्मिक आधार पर, तो सरकार अभी नहीं चाह रही थी कि किसी और प्रकार का कोई विवाद उपजे। ठीक, सरकार ने कहा अभी ऐसा रख देते, समय दर समय जब लोग शिक्षित होंगे तो फिर उसको लागू किया जाएगा। ठीक, लेकिन समय दर समय होता क्या गया, आपको पता है भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण की वजह से
है ना, या कुछ और भी कुछ अन्य कारणों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को टालते चले गए, और टालते टालते आज 70-75 साल हो गए और आज तक ये लागू नहीं हो पाया। अब देश में पुरजोर एक मांग फिर से उठी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, ताकि पूरे भारत में जिस प्रकार से क्रिमिनल केसेस में समान हो है, फौजदारी केसेस में भी सेम हो। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आप नोट करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में पार्ट 4 में और डीपीएसपी में इसका वर्णन किया गया। तो राज्य जब सशक्त होगा, अब चाह के भी कोई इसको कोर्ट से नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन मैंने आपको बताया कोर्ट ये गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं करा सकती, लेकिन जब भी किसी नीतियों का निर्माण कराया जाएगा तो डीपीएसपी का ध्यान रखा जाएगा। तो कोर्ट से भी बात की गई है, तो कोर्ट ने भी बोला है कि सरकारों को, कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इसको लागू करो, कोर्ट ने कहा कि अगर ये रखा है और अगर ये समय उचित सरकार को लग रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। ठीक, चलिए अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ आते हैं, आर्टिकल 45 की तरफ। ठीक, आर्टिकल 45 में लिखा गया है कि सभी 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष तक के बालकों को, 14 वर्ष तक के बालकों को, बालक एवं बालिकाएं कोई भी हो, है ना, या आप ये समझ लीजिए 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुके, 14 वर्ष तक की आयु पूरी चुके बालक एवं बालिकाओं को, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, बालक एवं बालिकाओं को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो भाई डीपीएसपी में रखा इसको संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि देश आजाद होते ही अगर आप सरकार पर ये बर्डन डाल देंगे, है ना, कि भाई शिक्षा, देखिए शिक्षा महत्वपूर्ण, भाई निस्संदेह इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो काफी सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही जो है हो जाएगा, है ना। शिक्षित व्यक्ति देखिए चीजों को आराम से टैकल करता है, सारी चीजों में समाधान नहीं करता। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य द्वारा अनिवार्य, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए जब देश आजाद हुआ तो मैंने बताया हमारे रिसोर्सेज ही नहीं थे, हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि इतनी बड़ी आबादी में सारे बच्चों को सरकार जो है फ्री शिक्षा प्रदान करता है। अब फ्री शिक्षा मतलब भाई स्कूल भी तो सरकार बनवाएगी, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो पहले तो स्कूल बनवाए जाए, तो सरकार वहां पर लगाए, फिर बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के लिए टीचर्स की व्यवस्था की जाए, है ना, तो टीचर्स को नियुक्त किया जाए, उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना, बच्चों को बुक्स देनी पड़ेगी, बच्चों को ड्रेस देना पड़ेगा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा। तो जब आजाद हुआ 1947 में भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने इस इतने महत्वपूर्ण खंड को, शिक्षा को, बहुत सोच समझ के, हमसे आपसे कई गुना विद्वान लोग उस संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, जो संविधान के शिल्पी हैं, है ना, जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, क्या वो आपसे हमसे कम योग्य थे क्या, है ना, बी एन राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे बहुत लोग, जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो सब बहुत विद्वान लोग थे, है ना, के मुंशी और भी सारे लोग, कृष्णा स्वामी अय्यर, जैनिंग सिंह, तो इन लोग ने इतने महत्वपूर्ण खंड को मूल अधिकार में न रख के डीपीएसपी में क्यों रखा, इसीलिए रखा क्योंकि उनको भी पता था कि राज्य पर अभी आजाद होते ही इतना बड़ा बर्डन नहीं डाल सकते, है ना। अब आप बताइए, आप किसी, अगर आपका मित्र, आपके पांच मित्र हैं, ठीक, आप मेरी बात को समझिएगा, पांच मित्र हैं, है ना, मानिए चार मित्र अच्छी स्थिति में है, परिवार संपन्न होते हैं, एक मित्र आपको पता है कि उसके थोड़ी सी आर्थिक समस्या है, ठीक, बर्थडे आया, सबने कहा भाई जन्मदिन की ट्रीट चाहिए, बर्थडे ट्रीट चाहिए, सेलिब्रेशन होगा, ठीक, मानिए जो बहुत संपन्न दोस्त हो, अच्छी आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत अच्छी हो, सकता है आपको बहुत 3-स्टार होटल में ले गया हो पार्टी कराने, 5-स्टार होटल में, कोई थोड़ा उससे वो है तो वो 3-स्टार में ले गया, कोई थोड़ा वो है तो अच्छा, एक मित्र और है आपको पता है कि इसकी परिस्थिति थोड़ी नम है, ना, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहुत, तो क्या आप उस पर ये फोर्स करेंगे कि आप भी, कि तुम भी हमको वहीं लेके चलो जहां बाकी सारे दोस्त लेके गए, है ना, नहीं ना,
वहां पर थोड़ा एडजस्ट होता है, क्यों आप उसे नहीं कहते है ना, दोस्त ट्रीट लेते हैं है ना, ट्रीट इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे क्या बोला था वो, अगर ये बोल देता कि अरे यार देखो ऐसा है मैं ट्रीट दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा, एक आध महीने बाद दूंगा, यहां पे नहीं दूंगा यहां पे दूंगा, तो दोस्त क्या कहते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं ठीक, जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, लेकिन ट्रीट देनी है, और जरूरी नहीं तुम वहीं दो पर कहीं दो, तुम ठेले पे खड़ा होकर हमें कुछ गोलगप्पे खिला देना, लेकिन खिलाना जरूर ठीक। दैट्स लाइक अ डीपीएसपी कि जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, और जब संपन्न दोस्त होता है तो उससे फंडामेंटल राइट्स की तरह मांगते हैं ना, आज ही चाहिए जिस दिन बर्थडे है, आज के दिन ही चाहिए जिस दिन बर्थडे, वो फंडामेंटल राइट्स की तरह मांगते हैं, नहीं भाई देना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि हमें पता वो संपन्न है। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत के पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि इतने बड़े आबादी में सारे बच्चों को, एक जो बड़ा प्रतिशत होगा उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा सके ठीक। हाँ, लेकिन जिस दिन हम सशक्त होंगे उस दिन देंगे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जब 2002 में सरकार इस लायक, यानी राज्य जब इस लायक हो गया कि वो बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके, तब ये जो डीपीएसपी जिसकी बात की गई थी कि जब राज्य सक्षम होगा तब इसे देगा है ना, तो इसको जो गैर न्यायोचित था उसको न्यायोचित अधिकार बना दिया गया, मतलब डीपीएसपी से उठा के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट की क्लास में बताया था 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या है, अब ये एक मूल अधिकार हो गया है। पहले तक जो डीपीएसपी था जिसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते थे, आज क्या हो गया 2002 से सरकार ने इसको एक मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया, यानी सरकार अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी है ना, सरकार ने देना चालू कर दिया। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे मुफ्त में शिक्षा मिलती है, अगर कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा 6 से 14 वर्ष का, सरकार नहीं दे रही तो उसका राइट है, सीधा हाईकोर्ट जा सकता, सुप्रीम कोर्ट जा सकता, फंडामेंटल राइट है ना। सरकार ने इसी के तहत 1995 से एक योजना भी चालू की है जिसको आप जानते हैं MDM, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील योजना ठीक। इसके तहत 8वीं तक के बच्चों को सरकार मुफ्त भोजन भी प्रदान कराती है ना, रोज वहां पर जो है मेन्यू डिसाइड हो जाता और दिन प्रतिदिन कैलोरीज के हिसाब से इतनी कैलोरी का, किसी दिन दाल चावल, किसी दिन कढ़ी चावल, किसी दिन दरिया मिलता है, किसी दिन खीर बनती है ना, किसी दिन रोटी सब्जी होती है, पौष्टिकता के आधार पर मेनू डिसाइड किया जाता है और सबको फ्री में वहां पर, ताकि जो बच्चे आए उनकी, देखिए सरकार जब सक्षम हो गया अर्थात राज्य जब सक्षम हो गया तो उसने ना सिर्फ इसको मूल अधिकार में परिवर्तित किया, सबको शिक्षा भी दी जा रही है, सबको बुक्स भी दी जा रही है, बैग भी दिए जा रहे हैं, इन सबके बाद कोई पैसा सरकार नहीं देती है, खाना भी प्रदान कर रही है, इसके साथ सरकार उनको वजीफा भी प्रदान करती है, स्कॉलरशिप, सोचिए है ना। तो सरकार जब उस लायक हो गई तो उसने उस बर्डन को बियर कर लिया है ना। होता है ना कभी कोई दोस्त की स्थिति अच्छी ना हो और कुछ समय बाद पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाए, जब दोस्तों से मिले, रीयूनियन हो है ना, और तो फिर क्या होता, तो बोलता नहीं नहीं यार कैंटीन में यार तुम लोग ने हमेशा मुझे समोसे खिलाए, हमेशा कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, ठीक है मैं नहीं तुम लोगों को खिला पाता था, अब आज की जो ट्रीट होगी यहां पर होगी, पूरा खर्चा मेरा, ठीक। तो वो डीपीएसपी था, आज फंडामेंटल राइट पर कन्वर्ट हो गया, यानी राज्य जब सशक्त हो गया तो फिर उसने देना चालू किया। तो वो दोस्त जब उस लायक हो गया तो उसने बोला नहीं यार, दोस्तों ने कहा नहीं ठीक है, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ है ना, तब कैपेबल नहीं था, आज कैपेबल है, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो राज्य सशक्त हुआ तो उसने काफी सारी चीजें दी है ना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, उसने फिर आपको ड्रेस भी दी, उसने बच्चों को मुफ्त साइकिल भी दी जो दूर से आते हैं, उन्होंने MDM भी देना चालू किया, उन्होंने स्कॉलरशिप भी देना चालू की, ठीक। ये हुआ अनुच्छेद 49। तो आर्टिकल 44 और 45 हमने देखा, अब हम अपने अगले आर्टिकल अनुच्छेद 46 की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 46 की तरफ, ठीक। देखते हैं आर्टिकल 46 में क्या बात है, ठीक। आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 45 में तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की, जो फंडामेंटल राइट बन गया। अनुच्छेद 46 हमारे समाज में, मैंने बताया था काफी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग थे, तो अनुच्छेद 46 में डीपीएसपी में प्रावधान किया गया था कि
भाई चूंकि समाज में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाएगा राज्य द्वारा और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा दिलाई जाएगी। ठीक, ये प्रावधान रखा गया आर्टिकल 46 में। यहाँ प्रोत्साहन, इसके अलावा सामाजिक और सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी, सुरक्षा प्रदान की। ठीक, ये आर्टिकल 46 में रखा गया। चूंकि देश जब आजाद हुआ तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक, वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से काफी पीछे था, जिन्हें हम उन्हें कुछ जाति, चूंकि भारत में आपको पता है जातियों के आधार पर समाज का वर्गीकरण है, तो अनुसूचित जाति में जिनको हम एससी बोलते हैं, कुछ जातियां एसटी में, अनुसूचित जनजाति में जो पिछले जंगल के इलाकों में सारी जगहों पर रहते हैं, और समाज में जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, जिसमें ओबीसी वाली भी जातियां और भी जो भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा होगा उनको आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो जो है आगे बढ़े, है ना, उनके शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन उनको दिया जाएगा ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े और उनकी जो है आर्थिक स्तर बढ़े, जिससे उनके जीवन के स्तर में सुधार हो और वो मुख्य धारा में आ सके और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। ठीक, इसके अलावा सामाजिक अन्याय और शोषण अगर जिस भी जाति के विरुद्ध होगा तो राज्य ऐसी जातियों के लिए क्या करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान कराएगा। तो ये जब देश आजाद हुआ तब इसको डीपीएसपी में रखा गया, है ना, कि राज्य जब सशक्त होगा तब ये करेगा। आज 75 साल बाद इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या ये डीपीएसपी में बना हुआ है या राज्य ने इसके लिए कुछ कार्य किए हैं, देखते हैं। आर्टिकल 15(2) का नाम सुना होगा, है ना, आर्टिकल 15(2) में तो मैंने आपको बताया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से लिंग यानी जेंडर, मूल वंश यानी उसकी ओरिजिन, जन्म, है ना, उसके जन्म स्थान, उसकी जाति, है ना, लिंग, जन्म, मूल वंश, जन्म, जन्म स्थान, इन 4-5 आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, है ना। 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक प्रावधान किया गया है ना। देखिए 15(4) यानी इस क्लॉज को बाद में जोड़ा गया, ठीक, जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, कि भाई सरकार ने महसूस किया कि एक वर्ग जो है वो सामाजिक दृष्टि से भी काफी पीछे और शैक्षिक दृष्टि से, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रावधान किया गया, कैसे पढ़ाया जाए, तो आरक्षण का प्रावधान लाया जाए और आर्टिकल 15(4) के तहत एससी और एसटी समुदाय को शैक्षिक और जो है आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया और नौकरी। 15(5) में जब सरकार को महसूस हुआ तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी 2006 से 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आरक्षण प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार सरकार को लगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 16(4) के द्वारा ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों को उसमें भी रिजर्वेशन दे दिया गया। तो देखिए सरकार ये जो डीपीएसपी में लिखा था, समय दर समय जब उसका मूल्यांकन करती रही तो इसके लिए कार्य करती रही, उन्होंने शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया, आरक्षण का प्रावधान किया, ठीक,
और इसी प्रकार से अभी 2019 से सरकार ने एक रिजर्वेशन लेकर आई जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, EWS रिजर्वेशन है ना, तो समाज के कमजोर वर्गों को, तो ये उस प्रकार से तो इसमें थे जनरल उसमें कैटेगरी में आते, लेकिन आर्थिक दृष्टि से काफी जो है इनकी स्थिति में, तो बहुत डिस्कशन हुआ क्या रिजर्वेशन जो है सिर्फ जात के आधार पर मिलना चाहिए, बहुत सारी बहस हुई उनका क्या जो समान वर्ग में कमजोर वर्गों में है, तो सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद एक 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के उन आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी 10% आरक्षण देने की बात की। तो सरकार ने ये जो आर्टिकल 46 में जो चीजें डीपीएसपी में लिखी गई थी उसके लिए काफी हद तक कार्य की है ना, ये जो उनका डीपीएस था उनको उन्होंने उठा के मूल अधिकार में लेकर आए और या फिर कानूनी अधिकार बनाए। अब इस पे आ जाते हैं, क्या उन्होंने सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा की? बिल्कुल की, संविधान में ही अनुच्छेद 324 को तो उन्होंने रखा ही था है ना। इसके अलावा आर्टिकल 15(3) में मैंने बताया है कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए काफी कानून बनाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं का शोषण होता समाज में हो रहा था, तो इसके लिए सरकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आई 2005 से अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, वो विवाहित हो या अविवाहित, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अगर उस महिला ने FIR लॉन्च की जो भी उसको जो है उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, तो उस व्यक्ति को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सजा मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा दहेज के कारण कई महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, उनको या जहर देके मार दिया जाता था, ये एक समस्या थी। तो डाउरी एक्ट भी लाया गया 1969 में है ना, दहेज प्रथा अधिनियम ठीक लेकर आए, इस पर भी कानून है कि अगर कोई दहेज किसी से मांगा जा रहा था उसके खिलाफ अलग, अगर उस महिला ने कंप्लेन कर दी तो शिकायत होगी। अगर डाउरी में डेथ केस हो गया, यानी किसी महिला से दहेज मांगते हुए उसकी हत्या कर दी गई, उसको जला के मार दिया किसी भी प्रकार से, तो आप समझिए इतना गंभीर होता है कि इसमें जांच जो है वो CO स्तर के यानी DSP स्तर के अधिकारी करते हैं, समझ लीजिए उसमें पूरी जांच। अगर डाउरी डेथ केस है तो DSP स्तर के अधिकारी करेंगे, सोच लीजिए। ठीक, इसके अलावा महिलाओं के जहां पर वो कार्य करती हैं ऑफिस में, उसके लिए सबके लिए कानून आए ताकि महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिल सके। तो सरकार 46 में जो जो चीजें लिखी थी समय दर समय सरकार ने मूल्यांकन करके उन चीजों पे काम किया है। ठीक, तो ये हुआ आर्टिकल 46 है ना। तो जो भी आरक्षण का प्रावधान है SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए या EWS है ठीक, या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एक्ट 1986 जिसको 2006 में लागू किया गया ना, बाल श्रम उन्मूलन। तो क्या हुआ, जब संविधान बना तो आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा है ना, जहां पर पटाखा बन रहा हो ये वो, जहां पर रिस्क हो। लेकिन 1986 में कानून बनाया गया चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एक्ट, उसके द्वारा ये कानून बनाया गया कि, और उसको जिसको 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया, तो कानून तो 86 में बन गया 20 साल बाद कि भाई इन बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे ही नहीं। तो सरकार को लगा इसमें कुछ और करने की जरूरत है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है ना, लोग घरों पे काम करा रहे हैं, अब वो फंडामेंटल राइट में आ नहीं रहा था क्योंकि सरकार ने बोला था जोखिम भरे कार्यों में, तो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, घर के काम कराना, ये जोखिम भरा काम तो है नहीं। तो सरकार ने 1986 में कानून बनाया और 2006 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने घर में भी नहीं लगा सकता, उसकी उम्र तो क्या है, उसकी उम्र तो आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा लेने की है, सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है, जाओ पढ़ो अपना विकास करो है ना, भोजन भी करो, ड्रेस भी लो, वजीफा भी लो, अगर दूर से रहते हो तो साइकिल भी लो। ठीक, तो उसको अब अगर कोई रेस्टोरेंट में या कोई अपने घर में ऐसे बच्चे को रख लेगा तो वो उसके लिए जो है 1 साल का कारावास और 10,000 रुपए तक का आर्थिक दंड। ठीक, तो सरकार ने काफी कार्य किए इस दिशा में। अब हम अपने अगले अनुच्छेद आर्टिकल 47 की बात करते हैं। देखिए हर चीज की इसमें चिंता की गई, इसमें बोला गया
कि भाई स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक जितने नशीले पदार्थ हैं, मदिरा है या नशीली दवाओं हैं, ड्रग है, औषधि प्रसाधन है, इन सब से जो है इन सब के उपभोग पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ठीक, रोक लगाएगी। तो क्या सरकार ने ऐसा किया, आइए देखते हैं। ठीक, स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना, हेल्थ के लिए जो इंजीरियस हो, है ना, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है कि ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, चेतावनी, फिर भी लोग पीते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवा, ड्रग्स, ठीक, अल्कोहल, जिसको आप मदिरा भी बोलते हैं, अल्कोहल, मदिरा, इन सब पर प्रतिबंध लगाने की बात सरकार ने की है कि हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये डीपीएसपी में था कि भाई लगाएंगे, लोगों की हेल्थ पहली प्रायोरिटी है ना भाई, लोक कल्याण की बात होती है, सरकार किसके लिए काम करेगी, लोक कल्याण के लिए। तो क्या ये शराब, ये पान मसाला, ये गुटखा, ये ड्रग्स, ये नशीली दवाएं, ये क्या लोक कल्याण के लिए है क्या? नहीं। लेकिन अब सरकार को जब देश है तो भाई खर्च भी तो चलाना है, लोक कल्याण उसके काम कर रहे हैं, तो सरकार एकदम से तो प्रतिबंध लगा नहीं सकती है ना, क्योंकि ये सरकार के राजस्व का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। प्रैक्टिकल रूप में देखिए भाई, ये तो सही है कि सरकार का काम है लोक कल्याण का काम करना, इसीलिए सरकार ने भाई कहा कि बात तो सही है, तो सरकार ने फिर धीरे से उसमें कुछ सुधार लेकर आई, एक वैधानिक चेतावनी लिख दी जाती है ना, पान मसाला, सिगरेट, ये वो, अगर पिक्चर में भी कोई शॉट दिखाया जाएगा तो धूम्रपान सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। पहले 15 मिनट आता है, एक मुकेश नाम का व्यक्ति जो है जिसको कैंसर हो गया गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से या कुछ, या डिब्बी पे, लेकिन तब भी लोग लेते हैं, है ना। तो क्या सरकार ने इस दिशा में काम किया? सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं समय दर समय देखते हुए, है ना। ड्रग्स यानी कि जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जैसे देखिए होता क्या है, नशीली दवाओं का प्रयोग जो है वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भी किया जाता है ना। अब मानिए किसी को नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर ने अगर उसको जो है रिकमेंड किया है, तब फिर वो दवाई जो है नींद की ले सकता है। अगर ऐसे लेगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो नशा है, ठीक। अब लोग चरस, गांजा, कोकीन, ये वो सब लेते हैं। अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड में कितना बड़ा, सुशांत सिंह राजपूत की पिछले ईयर जो है जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है सुसाइड कमिट किया या क्या हुआ पता नहीं, ठीक। तो उनकी मृत्यु के पश्चात एक बाउंडा सा फूटा है ना कि ड्रग्स रैकेट में थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे लगा भाई क्या है, पूरा बॉलीवुड बिना ड्रग्स के रहता ही नहीं है क्या, ठीक। तो काफी सारी चीजें, काफी बड़े बड़े नाम, एक्टर एक्ट्रेसेस जो है इसमें आए, तो फिर उनको देखिए नारकोटिक्स ब्यूरो वाले लेकर गए और उनसे सारी चीज, क्यों? क्योंकि उसके लिए कानून बना हुआ, ऐसे आप किसी भी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं कर सकते, नशीली दवाओं। तो सरकार ने इसके लिए समय दर समय पर कानून बनाए, ठीक। अब देखते हैं क्या और कुछ काम, देखिए मदिरा पर प्रतिबंध लगाया, कई राज्यों ने लगाया भी है ना, कई राज्यों ने लगाया, लिकर फ्री स्टेट है, गुजरात ने तो आजादी के बाद तुरंत ही शराब वहां पर बैन है, बिहार, बिहार देखिए भारत के कोई बहुत विकसित राज्य में नहीं है, है ना, बिहार जो है भारत के पिछले राज्यों में आता है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी ने वहां पर बिहार में शराब को प्रतिबंधित कर दिया है ना, बिहार में शराब नहीं बिक सकती, ठीक, बिहार में शराब नहीं बिक सकती। एक तरह से उन्होंने आर्टिकल 47 को, जो डीपीएसपी का कि राज्य ये सशक्त होगा तो करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है ना। विगत 2015 से वहां पर शराब पूर्ण तरीके से बैन है ना, वहां पर ना शराब बिक नहीं सकती, ठीक। अब वो कैसे अनैतिक रूप से आगे चली जाती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर वो हो गई, ठीक। तो गुजरात लिकर फ्री स्टेट है ना, इसके अलावा और भी कोई कुछ स्टेट्स हैं जो लिकर फ्री है। तो अगर राज्य को लगता जाएगा, राज्य जब अपने फाइनेंस के रिसोर्सेज इतने ज्यादा बढ़ा लेगा तो उन्हें लगेगा, तो फिर उनको वो बैन करते जाएं, ठीक। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 47। अब आते हैं आर्टिकल 48 पर, अनुच्छेद 48 पर, आर्टिकल 48 क्या बात करता है, आर्टिकल 48 जो है वह बात करता है कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर
या वैज्ञानिक प्रणालियों से करना या वैज्ञानिक आधार पर संगठन, कृषि का, एग्रीकल्चर का एवं पशुपालन, वैज्ञानिक आधार पर संगठन, वैज्ञानिक आधार पर संगठन या वैज्ञानिक आधार पर या वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि और पशुपालन को करना। ठीक, सरकार ने डीपीएससी में इस चीज को रखा कि राज्य जब सशक्त होगा, भाई जब हम आजाद हुए थे तो हमारा सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स था, यानी हमारी इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी, वो प्राइमरी सेक्टर पे थी, प्राथमिक क्षेत्र पर, है ना। और वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो इंडिया की जो जीडीपी का सबसे बड़ा सेक्शन आता है वो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र से आता है, सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर से। ठीक, और जब हम आजाद हुए थे तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या था, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग जो है कृषि पर निर्भर थे, खेती बाड़ी करते थे, है ना। तो अब चूंकि देश नया नया आजाद हुआ था, हम काफी पिछड़े थे सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से तो थे ही, आर्थिक रूप से भी थे और तकनीकी रूप से भी थे। भाई जब शिक्षा नहीं होगी तो तकनीक कैसे आएगी। अच्छा, शिक्षा प्रदान करने के लिए अर्थ होना चाहिए, है ना। तो अर्थ जब होगा यानी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब आप लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तब वो अलग अलग नए नए इनोवेशन करेगा, तब वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेगा, तब वो टेक्नोलॉजिकल खोजें करेगा। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा किसी सोसाइटी का, तभी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वापस इंडस्ट्रीज में होगा, वापस एग्रीकल्चर में होगा, वापस सारी सारी चीजों में होगा। और जब साइंटिफिक तरीके से कोई चीज की जाएगी तो कम समय में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो लेकिन ये कैसे होगा, तो एक चक्र है, अर्थ होगा, अर्थ से यानी इकोनॉमी अच्छी होगी तो शिक्षा लोगों को मिलेगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर ज्ञान वर्धन होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो वो टेक्नोलॉजिकल जो है वो अपग्रेडेशन करेंगे अपनी सोसाइटी का, और जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा तो उसका वापस यूज उसी इंडस्ट्री में होगा जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो सरकार ने ये रखा था, क्योंकि अभी उस समय तो पैसा था नहीं कि जब होंगे तो करेंगे। तो समय दर समय जब बीता तो सरकार ने इस पर काफी काम किया, है ना। आज आप देखिए नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है, राष्ट्रीय नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना। वैज्ञानिक आधार पर तो है कि आप हर किसान को वो अपनी जमीन के लिए उनकी मिट्टी कैसी है उसको देखकर एक सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और आप हेल्थ कार्ड देखे और देखिए आपकी मिट्टी इनमें से किस रंग के तहत आती है। तो जिस भी तहत हो आप तुरंत किसान कृषि कॉल सेंटर पे फोन मिला के पूछ सकते हैं कि भाई मेरी मिट्टी आपने जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो बताई है उसके तहत इसमें आया है तो मुझे किस प्रकार की। चूंकि देखिये भारत में जो किसान है अभी भी बहुत शैक्षिक दृष्टि से बहुत पीछे है ना, उसमें अभी कोई साइंटिफिक अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है अभी भी भारत के अधिकांशता हिस्सों में। ठीक है, खेती जो है परंपरागत स्वरूप में होती है, ट्रेडिशनल फॉर्म में होती है ना, ट्रेडिशनल फॉर्म में होती है। इतनी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद हम प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर पे हैं, वर्ल्ड में भारत के पास सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है लेकिन प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जमीन का उतना बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, हम परंपरागत खेती करते हैं, ट्रेडिशनल खेती। अभी भी कई जगहों पर समुचित रूप से प्रॉपर रूप से जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई है ना, सिंचाई की जो है सुविधाएं वहां पर पहुंच नहीं पाई है। ठीक, एनआरजी का कंसेप्ट सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बोल दिया था, नेशनल रिवर ग्रिड और नेशनल वाटर ग्रिड का, भारत की 30 नदियों को हिमालय और प्रायद्वीपी, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स को जोड़ना था, आपस में सारी नदियों को कनेक्ट कर देना था। मोटे मोटे स्वरूप में भारत की 30 नदियों को आप कनेक्ट कर देंगे जब, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सो करने के लिए, है ना। विजन 2020 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी इस योजना के बारे में बोला था, इसको होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बोला, अटल जी की गवर्नमेंट काम भी कर रही थी लेकिन चूंकि 2004 में चुनाव हारे और उसके पश्चात फिर भारत में आपको पता है कि योजनाएं जो होती हैं, है ना, वो सरकारों पर डिपेंड करती हैं, दूसरी पार्टी आई तो पहले वाली की बंद कर देती, पहली आती तो दूसरी की। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इससे क्या होता है जब भारत की सारी नदियां आपस में जुड़ जाती तो जहां पर देखिए भारत की जो ईस्टर्न इलाके हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला बेल्ट जो है यह हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है,
है ना, हमेशा यहाँ पर बाढ़ आई रहती है। आप देखिए कोसी नदी हमेशा अपने रूट डाइवर्जन यानी मार्ग विक्षेपण के लिए जानी जाती है, तो जब वो रूट डाइवर्ट करती है तो वहाँ तबाही आ जाती है ना। तो बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, ठीक है, ये सब जो है हमेशा बाढ़ग्रस्त इलाके रहते हैं असम में यहाँ वहाँ। और उसी प्रकार वेस्ट के इलाके गुजरात है, राजस्थान है, उड़ीसा, इधर नीचे थोड़ा सा उड़ीसा का इलाका, ये हमेशा सूखा ग्रस्त इलाके रहते हैं, यहाँ पर हमेशा सूखा पड़ा रहता है। तो होगा क्या है ना कि अगर सारी नदियों को जोड़ दिया जाता तो कहीं पर अगर बाढ़ का पानी है तो उसको वहां शिफ्ट कर दिया जाता उसी नदी के माध्यम से जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, तो ये कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है ना, कि जो बाढ़ का पानी है वो निकाल के सूखे के क्षेत्र में चला जाता है। ठीक, तो जहां पर सूखा है उसकी समस्या का समाधान, उसको पानी मिल गया, खेती हो गई, और जहां बाढ़ आने वाली थी वहां से एक्सेस पानी को निकाल के उन्होंने वहां रख दिया जहां पानी कम है। ठीक, तो परंतु हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी सरकारों ने अभी तक 75 साल में हाँ जितना कार्य करना था उस आधार पर उसको नहीं लागू करा पाए हैं, लेकिन फिर भी काफी काम किए। ठीक, आप देखिए पशुपालन के आधार पर सरकार दिन प्रतिदिन जो है गौशालाओं को और सर्टिफिकेट के आधार पर जो है उसका गठन करवा रही है। इसके अलावा करनाल में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पर अब आप देखिए पहले जो ब्रीडिंग होती है अब वो सर्जरी बेस होता है, मतलब इंजेक्शन के द्वारा भी जो है वो जो है पशुओं को जो है गर्भधारण कराया जा रहा था। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है ना, पहले नेचुरल प्रोसेस से ब्रीडिंग होती थी, अब जो है सर्जिकल उसके तहत भी जो है सिरिंज के द्वारा भी जो है ब्रीडिंग हो जाती है। इसके अलावा क्लोनिंग को लेकर आए, अब क्लोनिंग के द्वारा भी जो है अक्सर गरिमा, ललिता ऐसे करके कई भैंस के बच्चे, बकरी, भेड़, डॉली नाम की भेड़, इन सब का जो है विकास किया गया है। इसके अलावा दिन प्रतिदिन नए नए नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, किसान कृषि कॉल सेंटर को खोला गया है किसानों की समस्याओं के लिए। तो कार्य हो रहे हैं लेकिन अभी यथोचित कार्य नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, लेकिन कार्य जो है सरकार अपनी ओर से अपने संसाधनों के हिसाब से कर रही है, और जैसे जैसे राज्य सशक्त होगा इसके लिए और भी सारे कार्य होंगे। ठीक, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक और चीज इसमें लिखी गई है, इसमें लिखा गया था कि गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशु जो भी दूध देते हैं, अन्य दुधारू पशु, उनको उनकी बलि पर जो है रोक लगाई जाएगी, उनकी बलि पर रोक लगाई जाएगी और इनकी नस्ल पर रोक लगाई जाएगी एवं इनकी नस्ल में सुधार लाया जाएगा। तो एवं नस्ल में सुधार लाया, सुधार और बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग होती है ना, मैंने आपको अभी क्लोनिंग का एग्जांपल दिया, तो क्लोनिंग द्वारा क्या है कि ताकि और दो लोगों की क्रॉस ब्रीड करा के और एक बेहतर ब्रीड बनाए जो और ज्यादा दूध दे सके और ज्यादा समय तक जीवित रह सके। तो ऐसी ऐसी गायें, ऐसे ऐसी भैंसों का जो है क्लोनिंग के द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है वैज्ञानिक आधार पर, ताकि वो हो, और गायें, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर भी रोक लगाई जाए। उस समय ये डीपीएस में रखा जाता लेकिन सरकार ने किया, आर्टिकल 25(1) में लिखा गया है, जैसे है क्या मुस्लिमों में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ बकरीद के पर्व पर जो है बलि देने की, मतलब जो है बकरीद पे क्या है कुर्बानी देने की प्रथा। ठीक, तो बोला क्या भाई ये आप चूंकि आर्टिकल 25 में क्या रखा है कि आप अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर, अपनी कंसाइसेंस के आधार पर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने की छूट है। आचरण मतलब जो आपके धर्म की रीति रिवाज है आप उसको मान सकते हैं। तो मुस्लिम भाइयों में जो है बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा, तो राज्य ने बोला बिल्कुल कुर्बानी दीजिए, कोई मनाही नहीं, लेकिन दुधारू पशुओं की आप कुर्बानी नहीं दे सकते। अर्थात जैसे गाय, गौ हत्या पर रोक है, आप गाय पर कुर्बानी, गाय की बकरीद में कुर्बानी नहीं दे सकते, आर्टिकल 25(1) में क्लॉज है। क्यों? एक तो डीपीएसपी में जो क्लॉज था उसके तहत सरकार ने बोला, दूसरा चूंकि गाय जो है वो हिंदू धर्म के लिए जो है एक उनकी धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ जाती है। तो भाई चूंकि आर्टिकल 25 में लिखा ना, अब यहाँ पर मुस्लिम लोगों में कुर्बानी देने की प्रथा और यहाँ पर हिंदुओं में जो है उनके उसमें गाय की पूजा होती है, तो अगर एक पूजा कर रहा है और एक उसका वो कर देगा तो देश में फिर ये तो लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना, पब्लिक जो आपका माहौल है। तो फिर आर्टिकल 25(1) में कहा गया कि भाई गौ हत्या पर, मतलब बकरीद में आप
गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते, बछड़े की नहीं कर सकते, या किसी दुधारू पशु की नहीं। हाँ, बाकी जो आप बकरे की कुर्बानी करते हैं, बाकी सब आप वो कर सकते हैं। ठीक, तो इसको जो है सरकार ने एक प्रकार से आर्टिकल 25 में एप्लीकेबल है। ठीक, तो गाय वाय की जो है बलि नहीं दी जा सकती। ठीक, रोक है, क्योंकि भाई किसी की धार्मिक मान्यता उससे जुड़ी हुई है, तो कुर्बानी देनी तो फिर बाकी जानवर की दी जा सकती, जो इसमें तो वो कुर्बानी दी जाती है, बकरे की दी जाती है बाकी उसकी, लेकिन दुधारू पशुओं की उस पर रोक है। और सरकार इसके नस्ल में सुधार भी कर रही है। करनाल का जो इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बताया, भैंस के, गाय के, बकरी के, भेड़ के, इन सब के जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के द्वारा, साइंटिफिक डिस्कवरी के द्वारा, इनके अलग अलग जो है इनके ब्रीडिंग प्रोसेस पे ध्यान देके अलग उन्नत नस्ल तैयार करती है। अब आगे आते हैं, इसी में आर्टिकल 48 ए को जोड़ा गया। आर्टिकल 48 ए, ये बाद में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। जब भी कहीं पर 1, 2, 3 या ए बी आए तो समझ लीजिए कि इसको बाद में जोड़ा गया। इसमें लिखा गया कि भाई पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एवं वन एवं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। ठीक, फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की जाएगी, वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी 48A में, यानी इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक, सरकार ने कहा भाई देखिए ऐसा है, अब पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वन्य जीवों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और वनों का भी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एनवायरमेंट को क्षति पहुंचना इस समय तक ठीक ठाक मात्रा में चालू हो गया था। तो सरकार ने इस दिशा में भी समय दर समय काफी काम किया है ना। जैसे हम लोग जानते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक, ये लेकर आए है ना। तो वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया, पर्यावरण संरक्षण जो है दिया गया। ठीक, तो ये काफी सारी चीजों को जो है लेकर आए, तो पर्यावरण से संरक्षित कानून है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून, ये सारे कानून सरकार जो है समय दर समय लाई है। और अब आप जैसे शेर को भी, वन्य जीवों की भी सुरक्षा करनी है, तो शेर को, बाघ को, मोर को है ना, इन सारे जानवर को जो आप मार भी नहीं सकते है ना, इसके लिए भी सरकार जो है समय दर समय पर कानून लेकर आई हुई। सॉरी, मैंने 1980 लिख दिया, 1986 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो ये सारे जो है कानून समय दर समय पर सरकार लाई हुई है। ठीक, अब अपने अगले डीपीएसपी की तरफ बढ़ते हैं, जो है आर्टिकल 49 48A क्यों लाया गया। सरकार देखिए कितना काम कर रही है, ये सिर्फ उन्होंने एक्ट ही नहीं बना दी, इसके अलावा भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप देखिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था है ना। चूंकि क्या है, पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, इसके अलावा आर्टिकल 21 के तहत ये जीवन का अधिकार भी है ना भाई, जी नहीं पा रहा कोई व्यक्ति है ना। क्यों भाई, आपने बोला है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण जो है कैसे लिए जाएंगे, उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार वंचित किया जाएगा। तो ये विधि के अनुसार वंचित हो रहा है, एक व्यक्ति पटाखा का इतना पटाखे छुड़ा दिए गए मानिए त्योहार में कि एक आदमी की सांस ही फूल रही है, अस्थमा से मर जाएगा वो, तो अटैक है ना, उसको तो सांस ही नहीं मिली, आपने पर्यावरण में जहर बोल दिया। ठीक, तो सरकार ने इसके लिए, कोर्ट ने इसके लिए भाई बोला बिल्कुल ये क्या है, तो सरकार से बोला भाई ये तो आर्टिकल 21 के तहत इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और दूसरा आपने पर्यावरण के लिए जो बनाया हुआ है कानून बनाया कि भाई पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाएगा, उसका भी तो लॉस है, तो उस पर भी किया गया है ना, तो वो भी है और आर्टिकल 21 भी है। तो इसीलिए सरकार देखिए डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया, सीएनजी वाहनों को चलाया जा रहा है, अब तो इलेक्ट्रिक कार टेस्ला लॉन्च हो गई है ना, भारत में कितनी सफल हो पाएगी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए पर्याप्त मात्रा में उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी तो होनी चाहिए, हर जगह उनके स्टेशन होने चाहिए कि वो चार्ज हो सके है ना। तो देखिए पहले पेट्रोल की गाड़ियां थी, फिर डीजल गाड़ियां आई, अब सीएनजी गाड़ियां आई, तो सीएनजी पंप बनाए गए, वो उससे थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है और पर्यावरण को कम
वो होता है। तो सरकार काम कर रही है, देखिए डीपीएसपी में जितनी भी चीजें थी, राज्य जब धीरे 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 सशक्त हो रहा है तो काम कर रहा है ना। उसने देखिए डीजल वालों पर प्रतिबंध लगाकर सीएनजी वालों को प्रारंभ किया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्स आ रही है, ये और उसके लिए होगा, है ना। स्कूटी देखिए इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाली, पहले जो ई रिक्शा नहीं होता था, आज देखिए पहले हाथ पर जो है व्यक्ति बैठाकर जो है रिक्शा चलाता था ना, अब देखिए अगर आप अपने शोरूम देखेंगे हाथ से चलने वाले रिक्शे बहुत कम हो गए, अब ज्यादातर स्थान जो है उसका ई रिक्शा ने ले लिया। बैटरी आराम से चार्ज हो जाती है, आदमी लेके जाता है, मेहनत भी कम पड़ती है ना, ज्यादा जो है वो भी कर लेता है, तो क्या हो रहा है, और एनवायरमेंट फ्री तो भाई है ही, उससे नुकसान नहीं हो रहा, कोई धूल धक्कड़ धुआं तो है नहीं। सीएनजी वाहन चल रहे हैं, वो डीजल वाहन की तुलना में तो कम से कम 50 गुना कम प्रदूषण करते हैं, है ना। अगर डीजल वाहन 100, 80, 90 अगर 100 में मार्क्स है 90-95 पॉइंट करता था, तो सीएनजी वाहन 40 या 30 प्रतिशत कर रहे होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी हाइब्रिड, तो ये और कम करेंगी। तो सरकार इस दिशा में नित नए और दौर पर जो है प्रयासरत है, ठीक। अगला आते हैं आर्टिकल 49 की तरफ, ठीक। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान को और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है, कि बोला गया है सरकार जो है जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान है और वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगी, ठीक भाई। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुएं, देखिए लाल किला ये क्या है, आपके राष्ट्रीय महत्व का है ना, प्रधानमंत्री वहां से जाकर उसकी प्राचीर से हर बार हर स्वतंत्रता दिवस पे ध्वज फहराते हैं, लेकिन खाली यही थोड़ी ना इसका इतिहास है। लाल किला का जो दिल्ली वाला है उसका इतिहास तो बहुत पुराना है ना, एक सत्ता का प्रतीक था, है ना, और शाहजहां ने जो है इसका निर्माण कराया था और यहीं से वो शासन करता था, तो ये राष्ट्रीय महत्व का, तो इसके लिए सरकार ने उस समय रखा था भाई, चूंकि तब पैसा तो था नहीं, तो सरकार ने बोला कि भाई जितने राष्ट्रीय महत्व के हम रखेंगे, तो सब सरकार का एक संस्थान लॉर्ड कर्जन के समय से चल रहा है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदी में जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत में जितने भी राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय स्मारक हैं उन सब का प्रोटेक्शन यही करते हैं। आप जैसे दिल्ली के लाल किले में जाएंगे या आगरा के लाल किले में जाइए या ताजमहल में जाइए या राजस्थान की जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक, वहां पर जाएंगे, सबका रख रखाव भारत सरकार की एक संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं। ये इनके दो कार्य हैं, एक तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, संस्थान हैं, ये सारी चीजें उनका संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन करना, दूसरा ये कि नित नए और स्थानों की खोज करना, है ना। ये देखिए रिपोर्ट आती रहती कि ASI की रिपोर्ट में ये स्थान जो है यहां से मिला, ये राष्ट्रीय महत्व का, अब यहां तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, तो नित्य प्रतिदिन खुदाई भी करते रहते हैं, उन स्मारकों का संरक्षण भी करते हैं। तो जब वहां आप जाते हैं तो एक नॉर्मल आपसे जो है फी ली जाती है, टिकट लिया जाता है, चाहे आप आगरा के रेड फोर्ट पे जाएं, चाहे आप दिल्ली के लाल किला में जाएं, है ना, चाहे आप आगरा के किले में जाएं, ताजमहल में जाएं, ऐसे किसी भी समारोह उसमें जिसका ASI वो कर रहा है, तो आपको अंदर जाने की एक नॉर्मल फी होती है, आपसे अलग होती है ना, कोई विदेशी यात्री आया तो उससे अलग होती है, क्यों, उसी पैसे के द्वारा फिर भाई उस बिल्डिंग का रखरखाव भी तो करना होगा, तो ASI जो है उनका रखरखाव करती है ना, ठीक। तो अभी और ज्यादा प्रयास है, जैसे अभी एक जिन पेपर में आया था कि हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य के जहां अवशेष पाए जाते हैं कर्नाटक में स्थान है, तो बताया गया कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है जहां पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने तपस्या करके प्राण त्याग दिए थे, या हम्पी में जहाँ विजयनगर के अवशेष मिले हैं वहाँ पे कुछ और इमारतें, बोला कि ये अभी सरकार ये ढह रही है, गिर रही है, सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है, सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो अब अगर सरकार की दृष्टि में आया है तो अगर ये ASI देखेगी उसको तो फिर उसका संरक्षण करेगी, तो करती है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीजें जिनका संरक्षण करने की आवश्यकता है ना, बहुत सारी, क्योंकि भारत में आप ये समझ लीजिए
कि मतलब हम लोग क्या खजाना है राष्ट्रीय महत्व का, हर जगह इतना इम्पोर्टेंस की चीजें, तो अब चूंकि इसकी बड़ा कॉस्ट भी इसका बहुत ज्यादा पड़ता है ना, इतना आसान नहीं है कि बहुत कम उसमें ये हो जाए, तो इसमें समय भी बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, तो सरकार इसीलिए इसको डीपीएस में रखा गया था, है ना। अब मानिए अगर इसको फंडामेंटल राइट में लेकर आ जाते तो हर व्यक्ति पहुंच जाता कि भाई ये क्यों नहीं, इसका हमारा राइट है, इसको भी करो इसको भी करो। तो सरकार जैसे जैसे सशक्त हो रही है, फंडिंग उनकी बढ़ रही है, तो वो चीजों को और उनका डायस्पोरा बढ़ रहा है एएसआई का, ना, और सारी चीजों को अपने भीतर वो लेते जा रहे हैं। तो सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, समय दर समय इसको और अपना कार्य जो है, और जब उनका रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो राज्य जब सक्षम होगा तो और सारी चीजों को अपने उसमें लेकर आएगा। ठीक, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है, ये बोलता है लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम और एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, न्यायपालिका का कार्यपालिका से लोक सेवाओं में पृथक्करण, यानी भाई दोनों एक नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, तो अलग तो ही है भाई, कोई एक नहीं है, है ना। इसका मतलब ये था कि भाई कार्यपालिका से न्यायपालिका का, न्यायपालिका से इसमें लोक सेवाओं में पृथक्करण होना चाहिए, यानी दोनों एक ना हो, है ना। कार्यपालिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपना काम करे, दोनों का एक सेपरेट वो होना चाहिए, दोनों एक साथ एक प्रकार से एक उसमें कार्य इनका नहीं होना चाहिए। तो ये तो है ही है ना। चलिए अगला जो है लास्ट डीपीएसपी आपका आर्टिकल 51, ये बस समझ लीजिए, ये कोई बहुत मतलब उतना उसका नहीं है, ठीक है, सिंपल। आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि की जानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी, बिल्कुल। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए हमेशा जो है राज्य जो है संकल्पित रहेगा, तो बिल्कुल है। और इसके लिए प्रांत भी जो है केंद्र सरकार का सहयोग करते हैं, जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इन सब की बात आएगी तो ये एक नियम भी अब तो चूंकि ये डीपीएसपी में रखा गया था कि हमेशा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और इसमें अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, तो हमेशा ही होता है। भारत तो शुरू से वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है ना। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में कभी आपको सेक्युलरिज्म समझाने की जरूरत नहीं है, भारत में कभी आपको ग्लोबलाइजेशन समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारी सभ्यता ही यही है, क्या वसुधैव कुटुंबकम, तभी लिख के चले गए पूरा विश्व हमारा परिवार है ना, पूरा विश्व जो है हमारा परिवार के जैसे हम अपने पूरे वर्ल्ड को परिवार मानते हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, 1990 में जो बोला जाता है, चिल्लाने की बात होती है कि भाई एलपीजी आया, हम तो बहुत पहले से वैश्विक थे, हमसे सहृदयता कहाँ की होगी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है ना, इतनी ब्रॉड सोच कहाँ रख सकता है कोई। जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी वहां पर संबोधन करने गए तो उनको 5 मिनट का समय मिला था खाली, जब धर्म महासभा में बोलने गए शिकागो में जो हुई, तो उनको सिर्फ 5 मिनट का समय मिला था। तो एक जोगियावस्थ में जो इनका था, आपने काफी पिक्स देखी होगी, उसमें पहुंचे तो ये वहां एक इंडियन हर्मिट मतलब भारतीय साधु आया बोलने, और जब वह पहुंचे तो 5 मिनट का उनको समय मिला था हिंदू धर्म के विषय में बताने के लिए, और आप यकीन मान लीजिए वो कुछ बोल ही नहीं पाए 5 मिनट में, कोई नहीं बोल पाए पता है, इसलिए नहीं इनको, वो तो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने पहली लाइन जो बोली सिर्फ 5 मिनट उस धर्म महासभा में सिर्फ तालियां ही गूंजते हुए भी थी, ठीक। फिर उनको टाइम एक्सटेंड किया गया और फिर उन्होंने हिंदू धर्म के विषय में बताया, इसीलिए जिसको आज तक जाना जाता है। उन्होंने पहली लाइन बोली, वेलकम टू माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स। पश्चिम में तो अपने भाई को भाई नहीं बोलते, अपनी बहन को बहन नहीं बोलते, वहां कल्चर ही नहीं। यहाँ एक साथ समुद्र पार से व्यक्ति आया है ना, एक साधु वेश का, और आके क्या बोल रहा, वेलकम टू माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों का स्वागत है। तो वो अटैचमेंट यूरोप वालों को लगा, और हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है ना, हम लोग का तो कल्चर है ना, कि अगर आप अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र की माता जी जो है वो आपकी माता के समान होती है,
मित्र के यहाँ जाना, मित्र की माता आपकी माता के समान होती है, मित्र की बहन जो है वो आपकी बहन के समान होती है, एक ऐसा कल्चर है हम लोग के यहाँ, है ना। तो ये एक अपने इंडिया की ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ठीक। तो और शांति का तो हम हमेशा से रहे, भगवान बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म तो शांति सबसे बड़ा प्रतीक है ना, वो तो अहिंसा पे उन्होंने बल दिया है ना। इसके अलावा जैन धर्म, ये भी अहिंसा पे, जैन लोग तो कृषि तक नहीं, मतलब खेती तक नहीं करते, ठीक। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में कृषि पर प्रतिबंध लगा, मतलब बोला गया खेती ना करिए, क्योंकि अगर खेती करेंगे तो जो छोटे 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 जीव होते हैं वो उनकी जान चली जाएगी, उनके अंदर भी जान है। अरे हम तो पेड़ों की पूजा करते थे, हम तो पेड़ों की पूजा करने वाले हैं, है ना। आज पूरे विश्व को पता चल गया, लोग हंसे हम पर कि बताओ पानी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, क्या है ये लोग, कितने पिछड़े हैं, बैकवर्ड लोग हैं, है ना। आज देखें, आज चिल्लाया जा रहा है ना, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। पेड़ की पूजा क्यों करते थे? जब आप किसी की वर्शिप करते, जब आप किसी को पूजते हैं तब आप कभी उसको काटते नहीं, है ना। अगर आप जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, कि आप कभी उसको चोट पहुंचा सकते हैं, कभी नहीं। तो पेड़ की पूजा की जाती थी, ठीक। तो जब हम पेड़ को पूजते थे तो पेड़ को काटते नहीं थे, जब पेड़ को काटते नहीं थे तो एनवायरमेंट भी सही रहता था, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती थी, ठीक। ये सारी चीजें, ठीक। जल की पूजा करते थे, जब आप जल की पूजा करेंगे तो आप कभी जल को गंदा नहीं करेंगे। हमने पेड़ को पूजना बंद किया तो हम पेड़ को काटना चालू हो गए, हमने जल की पूजा करना बंद किया तो हम जल को प्रदूषित करना स्टार्ट हो गए, ठीक। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है कि नदियों को सुरक्षित रखिए, नदियों को साफ सुथरा रखिए। जायका जापान की वो आएगी, ये वाटर ट्रीटमेंट अलग, पहले कुछ विभाग नहीं थे, है ना, कुछ अलग फंडिंग नहीं होती थी, तब भी जल सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि हम उसकी पूजा करते थे, हमने उसको पूजना, हमारी हर चीज साइंटिफिक है, लेकिन हम उस साइंटिज्म को समझ नहीं पाए, हम उस वैज्ञानिकता को अपने धर्म में समझ नहीं पाए, अपनी संस्कृति में। इसका खामियाजा फिर जो है आज हमें भुगतना पड़ता है ना। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है हमने डीपीएसपी को देखा, और हमने ये भी देखा कि किस उद्देश्य के साथ डीपीएसपी को संविधान में लाया गया था, और डीपीएसपी और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। मैंने बताया था कि डॉक्टर बी एन राव ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक, इन्होंने जो मूल अधिकारों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, व्यक्तिगत अधिकारों को, एक फंडामेंटल राइट्स जिनको न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता, और दूसरे हैं आपके ये वाले गैर न्यायोचित, है ना, जिनको नहीं प्राप्त किया सकता, मतलब डीपीएसपी। लेकिन फिर भी बताया गया कि ये शासन के लिए जब वो नीतियां बनाएगी तो मूलभूत तत्व के समान। तो इस प्रकार से इसको जो है तो किया गया, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद भी डीपीएसपी की काफी विद्वान और काफी लोगों ने कुछ कई बिंदुओं पर आलोचना भी की है ना। तो देखिए, डीपीएसपी कैसा टॉपिक है, वो आपके प्रीलिम्स पे जितना इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के लिए। तो भाई चीजें अच्छी तो बहुत देख ली, प्रशंसाएं देख ली, आलोचना अगर किसी बड़े विद्वान व्यक्तियों ने की है तो कुछ तो आधार रहा होगा, उनकी आलोचना का क्या अधिकार आधार रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं किस आधार पर इसकी आलोचना की गई। देखिए, जो इसके आलोचना के बिंदु थे वो इस आधार पर आलोचना की गई। सबसे पहले तो एक पॉइंट रखा गया, उन्होंने बोला कि भाई देखिए ऐसा है, डीपीएसपी जो है वो कोई कानूनी शक्ति तो है नहीं, इट कैन नॉट बी अचीव बाय कोर्ट, तो फायदा क्या हुआ इसका, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। सब चीजें क्या है कि भाई राज्य जब सशक्त होगा तो देगा, राज्य जब सशक्त होगा तो देगा। एक बड़े विद्वान हैं केटी शाह ने बोला कि भाई ये एक अतिरेक कर्मकांड है, अतिरेक मतलब जबरदस्ती के कर्मकांड। उन्होंने तो एक चीज बोली कि ये एक ऐसा चेक है, ठीक है, उन्होंने बोला ये एक ऐसा चेक है जो कम कैश होगा वो उस बैंक के रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। केटी शाह ने बोला कि ये एक ऐसा चेक है जो कम कैश होगा उस बैंक के रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। आप अगर बैंक में चेक लेकर जाते हैं तो बैंक वाला ये थोड़ी ना होता कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब तुम्हारा चेक तब तुम्हें देंगे। हम लोग बैंक में जाते हैं, चेक लगाते हैं क्लियरिंग के लिए, जैसे एक दिन का समय जो भी क्लियरिंग के लिए लगता है वो हुआ तुरंत, और अगर आपने सेल्फ का चेक दिया तब तो आपने दिया तुरंत, आपके पास पैसा आ गया।
लेकिन केटी शाह ने बोला ये तो एक ऐसे बैंक का चेक है, क्योंकि हर चीज क्या लिखी हुई है। आर्टिकल 37 क्या बोलता कि इससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, राज्य जब सशक्त होगा तब इन नीति निषेध तत्वों को अपने नागरिकों को प्रदान करेगा। तो राज्य कब तक सशक्त होगा इसकी बात नहीं, जब भी सशक्त होगा तो देगा। तो उन्होंने बोला ये एक ऐसे बैंक का चेक हो गया कि आप लेके गए भैया लाओ ये मैं दो जो तुमने बताया, तो उसने बोला भाई जब हो गए पैसे तब देंगे चेक, चेक रख जाओ दे देंगे, कब तक जब आएगा पैसा तब, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके लिए इसकी आलोचना की, उन्होंने बोला ये अतिरेक कर्मकारी। एक और बड़े विद्वान व्यक्ति नसीरुद्दीन साहब, नसीरुद्दीन शाह की बात नहीं हो रही है, नसीरुद्दीन साहब बड़े विद्वान व्यक्ति, इन्होंने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने बोला इट्स जस्ट लाइक अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन, उन्होंने बोला इट्स जस्ट लाइक अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन, उन्होंने बोला ये बिल्कुल नव वर्ष के प्रस्ताव की तरह है जो जनवरी में बनते हैं और जनवरी में ही टूट जाते हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं 31st की रात में रिजोल्यूशन लेते हैं, दिस ईयर आई विल ब्रेक दिस, दिस ईयर आई विल एबॉलिश माई दोस ड्रॉबैक्स, है ना, मैं अपने इन कमियों को खत्म कर दूंगा, बिल्कुल समूचा नाश कर दूंगा, मैं अपने अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन ले आऊंगा, अब कल से ये कर दूंगा, मैं क्रांति ले आऊंगा, है ना। और जनवरी में 31 दिसंबर की रात में अर्थात 12 बजे के बाद जैसे ही 1 जनवरी लगी वो नियम बनता है और जनवरी में टूट जाता। मानी किसी ने बोला कि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं इस बार रिजोल्यूशन लिया कि मैं सवेरे 6 बजे उठ जाऊंगा और साइकिलिंग करूंगा और रनिंग करूंगा, स्टेमिना बढ़ाऊंगा, ऑल दैट, ठीक। 2 दिन गए, 4 दिन गए और 5वें दिन से खत्म, अरे यार नहीं हो पा रहा यार ये वर्कलोड ये। तो मतलब उन्होंने बोला इट्स जस्ट लाइक अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो जनवरी में बनता है जनवरी में खत्म, यानी कि ये बनते ही खत्म होने के लिए। तो यानी कि आपने जो सारी चीजें लिखी है वो तो बोला जा रहा है कि राज्य जब सशक्त होगा तो देगा, राज्य जब सशक्त होगा तो देगा। अरे राज्य कब सशक्त होगा, अगर राज्य सशक्त ही नहीं हो पाएगा तो राज्य देगा ही नहीं। तो ये तो एक रिजोल्यूशन हो गया कि भाई ठीक है करेंगे, जैसे होता है ना कि यार अब सवेरे उठना है, कब से उठना है, मैं जैसे थोड़ा सही हो जाता मैं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कब से उठना। तो उन्होंने बोला कुछ बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा पीटी कृष्णाचारी ने भी जो है इसके लिए बोला कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। इन्होंने तो और हार्ड शब्दों का प्रयोग किया, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में थे टीटी कृष्णाचारी, ठीक भाई। अब देखिए यही तो लोकतंत्र की प्रणाली होती है पूरी, कि कुछ फेवर में बोलेंगे, कुछ आलोचना में बोलेंगे, और हमको मध्यमार्ग को करना है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करता है उसका एक ध्येय होता है जो भगवान बुद्ध देके चले गए, मध्यम प्रतिपदा, चरे वै मिड वे अपनाइए, सबसे अच्छा होता है। ना बिल्कुल फेवर में जाना किसी चीज के, ना बिल्कुल अगेंस्ट में, सबसे अच्छा होता है मिड वे, है ना। अच्छाई भी देनी है, थोड़ी सी आलोचना को भी देखना कि अच्छा ये अच्छाई है भाई, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, उसमें अच्छी चीजें हैं तो कुछ कमियां भी होंगी, बैलेंस करते हुए आप चलते रहिए, है ना। भगवान बुद्ध जो बता गए मध्यम प्रतिपदा, चरे वै सबसे अच्छी चीज। तो टीटी कृष्णाचारी ने बोल दिया कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, इससे किसमें भावनाएं रखी गई है कि हाँ राज्य जब होगा तो ऐसा करेंगे हम, है ना, भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर। लेकिन क्या ऐसा है क्या? नहीं ना, सरकार ने इतनी चीजें रखी तो इसको किया है कि नहीं किया, शिक्षा को प्रदान किया कि नहीं किया, राइट टू एजुकेशन बनाया, पर्यावरण के लिए कानून बनाया कि नहीं बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के लिए बनाया कि नहीं बनाया, आरक्षण का प्रावधान किया कि नहीं किया, है ना, किया। पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर संगठित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। मजदूरों के लिए कितने सारे लॉज लेकर आए, महिलाओं की मेटर्निटी लीव को बढ़ा ही रहे हैं, महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिला आयोग की स्थापना, ये सारी चीजें की है, बच्चों के शोषण से बचाने के लिए काम किया है ना, सारी चीजें तो कर रहा है, तो राज्य सशक्त हो रहा तो कर रहा है। इसको सिर्फ भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि काम तो हुआ है। ऐसे ही जो केटी शाह साहब ने कहा था कि भाई जब भी होगा तब देगा, बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने कुछ प्रदान ही नहीं किया। हाँ 75 साल हो गए जिसको पूरी रूप से नहीं लागू कर पाए, लेट हो रहा है, लेकिन काफी हद तक इसकी काम को किया गया है, ठीक। इसी प्रकार से तो पहला क्लॉज बोला कि इसमें कोई कानूनी शक्ति नहीं, दूसरा बोला गया कि यार तर्कहीन व्यवस्था है, ठीक, तर्कहीन व्यवस्था। उन्होंने कहा कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज को एक तो ना तर्कसंगत वे में लगाया गया है, ठीक। एन श्रीनिवासन ने बड़ी मारभरी बात बोली, इन्होंने कहा एक तो ना आपने इस
डीपीएसपी को ना तो उचित तरीके से आप लोग ने व्यवस्थित ढंग से लड़ाया है, ना ही तर्क संगत है, ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया है, ना ही इसमें तर्क संगत तरीके से इसको व्यवस्थित किया। तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि ये तर्कहीन है, आपने जितनी बातें की हैं ठीक है सब तर्कहीन है, मेरा व्यक्तिगत रूप से संबंध ऐसा नहीं तर्क के आधार पर की थी। हाँ चीजों को बोला गया था भाई, जब कोई चीज होता है, जब आप कोई भी कोई साधारण लड़का मानिए, कोई ऐसा लड़का जो एक मनोज शर्मा जी है, 12th फेल के बुक है, ठीक मैंने पढ़ी तो नहीं है लेकिन काफी चर्चा सुना, उसकी समरी को मैंने देखा है, तो पता चला कि वो 12th फेल हो गए थे। तो 12th फेल होने के बाद पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन 12th फेल किसी वजह से, क्या है कैसे क्या हो गया, ठीक तो बोले कि सब ने ये बोला कि अब तुम्हारा 12th फेल हो गया, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम 12th में फेल हो गए और तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला मैं दिल्ली गया, मैं रिक्शा चलाना चालू हो गया, फिर उनका उनके जीवन में एक लड़की का प्रवेश हुआ है ना, और उसने देखा कि इनको नॉलेज बहुत है क्योंकि न्यूज बताते थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था सारी चीज़ें। तो उस लड़की ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, सारी चीज़ें करते हो, पर वो पढ़ाई तुमने कंटिन्यू क्यों नहीं की। तो उन्होंने बोला कि मैं 12th फेल हो गया तो लोगों ने बोला मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ाई करो, तुम सारी चीज़ें करो। तो फिर उन्होंने जो है पढ़ाई की, आगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सारी तैयारी की और वो आज IPS के रूप में। तो बिल्कुल सही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। आप अपने ऊपर बिलीव करिए, अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव करना छोड़ दिया कोई आप पर बिलीव नहीं करेगा, ठीक। आप अपने ऊपर बिलीव करिए कि यस आई कैन, अगर जिस दिन आपके अंदर से आएगा यस आई कैन तो लोग भी बोलेंगे यस यू कैन, ठीक। जिस दिन आप नहीं बोल पाओगे ना अपने लिए यस आई कैन, दूसरा कभी नहीं बोलेगा यस यू कैन, ठीक। जिस दिन आप होगा आई कैन, यस आई कैन मैं कर सकता हूँ, यस आई विल मैं कर लूंगा, ठीक, तब दूसरे बोलेंगे यस यू कैन डू इट, ठीक। तो तर्कहीन व्यवस्था श्रीवास जी ने कही, परंतु लग रहे कुछ लोगों ने इसे रूढ़िवादी बोला, ठीक, कुछ लोगों ने इसे संवैधानिक टकराव के रूप में बोला। हाँ संवैधानिक टकराव वाला जो के संथानम जी ने बोला इसको मैं एक हद तक मान सकता हूँ, रूढ़िवादी भी तर्क दिया गया, मैं रूढ़िवादी पर भी इतना वो नहीं है, लेकिन एक आलोचना का बिंदु मैंने बोला ये रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्यों बोला गया, रूढ़िवादी बोला कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है डीपीएसपी का, देखिए हम लोग आयरलैंड से लाए थे है ना, आयरलैंड वाले स्पेन वालों से लाए थे, बोला गया कि एक तरह से ये जो इंग्लैंड के 19th सेंचुरी के जो क्लॉज थे उसको पूरा का पूरा उठा के इंडिया ने अपने पार्ट फोर में डाल दिया, किसमें इंडिया ने अपने पार्ट फोर में डाल दिया है रूढ़िवादी, इसलिए उन्होंने बोला कि ये रूढ़िवादी है, ये इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी की चीजों को आपने अपने डीपीएसपी में डाला है तो क्या ये 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी तक टिकेगा, नहीं टिकेगा। उन्होंने बोला आपने तो रूढ़िवादिता का सम्मिश्रण कर दिया इस डीपीएसपी में, सारा क्लॉज इंग्लैंड का उठाया और डाल दिया, सिडनी वेब करके जो उनका एक क्लॉज है वो आपने उठा के डाल दिया, ब्रिटिश वेब और सिडनी वेब का पूरा वो है। लेकिन हो सकता है कि हमने इंग्लैंड से के चीजों को प्रवृत्तियों को देखते हुए लागू किया, लेकिन वो आज भी 21st सेंचुरी तक भी एप्लीकेबल बिल्कुल है, ठीक है बिल्कुल है। तो हाँ मान सकते हैं कि इसमें कुछ रूढ़िवादिता होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से रूढ़िवादी हो या ये यूजलेस हो ऐसा कहना गलत है। चौथा पॉइंट जो रखा वो के संथानम जी ने रखा संवैधानिक टकराव का, संवैधानिक टकराव कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश का। उन्होंने बोला देखिए ये जो डीपीएसपी रखा है ना ये क्लैश का माध्यम बनेगा, किसमें के संथानम जी ने बोला, बड़े विद्वान थे, उन्होंने बोला कि ये क्लैश होगा किसके बीच में, एक तो आपका होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, मतलब प्रांत सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक, उसके अलावा ये सीएम और गवर्नर के बीच में। कैसे, उन्होंने कहा बोली देखिए इसमें क्या लिखा कि डीपीएसपी जब राज्य सशक्त होगा तब उसको देगा। अब मानिए राज्य ने सेंटर ने कोई चीज लागू करी, अब उसी चीज को वो प्रांतों को यानी राज्य सरकार को भी लागू करने के लिए बोल रहा है, और यहां पर राज्य सरकार सक्षम है नहीं कि वो इसको लागू कर पाए। लेकिन डीपीएसपी में एक चीज छुपी हुई है कि लोक कल्याण के लिए जब भी आप नीतियां बनाएंगे
तो इनके तत्वों को शामिल करना जरूरी है। तो सेंटर स्टेट में वैसे ही क्लैश चलता है, तो इस डीपीएसपी का मिसयूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकती है कि ये डीपीएसपी के मूलभूत तत्वों को शामिल नहीं कर रहे हैं, यानी एक प्रकार से संवैधानिक तंत्र को फेल कर रहे हैं, और राज्य सरकारों के इस आधार पर क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, तो क्लैश हो सकता है। और अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार कुछ कहेगी, और अगर मानिए केंद्र सरकार ने क्लॉज बना दिया कि भाई एक पास कर दिया कि अब जब भी कुछ होगा तो डीपीएसपी को लागू करना होगा, ठीक, एक क्लॉज बना दिया संसद ने कि डीपीएसपी को अब लागू करना अनिवार्य है, परंतु राज्य अगर अपने यानी स्टेट जो प्रांत की सरकार है यूपी बिहार एमपी ये वाले राज्य की बात कर रहा हूं, ये अगर सक्षम नहीं है, ये अगर लागू नहीं कर पाएंगे, तब तो फिर अगर कोई भी जो है बिल राज्य सरकार बनाएगी तो गवर्नर उसको इस आधार पर राष्ट्रपति को भेज देंगे और राष्ट्रपति इसे खारिज कर देंगे, तो भी एक क्लैश हो सकता है। तो मैंने कहा ये क्लैश का माध्यम बन सकता है, ठीक। तो इन कुछ बिंदुओं पर आलोचना की गई, परंतु इन आलोचनाओं के साथ भी हमारा ये मानना है कि डीपीएसपी जो है वो संविधान के लिए जीवनदायिनी के रूप में है ना। आप देखिए उन्होंने जितनी भी चीजें हम लोगों ने 36-51 देखी है, वो संविधान के साथ साथ व्यक्तियों के लिए जीवनदायिनी के रूप में, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के मूलभूत तत्व है ना? अगर फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक, तो ये फंडामेंटल ये डीपीएसपी है जो हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जो है आधारशिला बनती है। तो इसलिए भाग 4 यानी डीपीएसपी का अनुच्छेद 36-51 का बहुत विशेष महत्व है, ठीक। इन चुनावों की इन आलोचनाओं के बावजूद भी निर्विवाद रूप से भारतीय संविधान में इसका महत्व, ठीक। तो इसी के साथ डीपीएसपी जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है राज्य के नीति शिक्षक तक यानी पार्ट 4। तो अगली क्लास में हम कंप्लीट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन, ठीक है। आई होप आपको डीपीएसपी जितना क्लासेस में बताया गया वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।